कैसे आप अपने YouTube चैनल के बैनर में सोशल मीडिया का लिंक ऐड कर सकते हैं, Instagram, Facebook, YouTube या Twitter, इन सबको आप ऐड कर सकते हो अपने बैनर में। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो सब अपने बैनर में, अपने YouTube चैनल के बैनर में इन सबको ऐड करते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जब भी कोई व्यूवर्स आपका YouTube चैनल पे जाता है तो होता क्या है कि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो इसलिए बहुत ही जरूरी है। और अधिकतर यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं वो इन चीज़ों को डालते हैं। तो आज मैं यही बताने जा रहा हूँ इस ब्लॉग में, कैसे आपको ऐड करना है लिंक अपने बैनर में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम बैक दोस्तों मेरे इस नए ब्लॉग में। वहाँ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग आप तक पहुँच सके। जब तक आप अपने बैनर में लिंक ऐड नहीं करोगे तब तक वो प्रोफेशनल टाइप का नहीं लगेगा, तो इसलिए अधिकतर यूट्यूबर इसको ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल, मैंने भी बैनर में ये ऐड कर रखे हैं सारे के लिंक। एक अलग ही लुक आ रहा है, एक प्रोफेशनल टाइप का, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भी लिंक ऐड करना है अपने बैनर में, अपने यूट्यूब चैनल के बैनर में। और मैं दिखाऊंगा ये आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन में ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा सकूँ, और आप इसको अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं बिल्कुल आराम से। डेस्कटॉप मोड पर जाके आपका सेम जैसे लैपटॉप में खुलता है वैसे ही फ़ोन में भी खुलने वाला है, क्रोम ब्राउजर में जाके डेस्कटॉप मोड करके। जलवा है हमारा, तो आप उसमें भी आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन। आपको जाना है यूट्यूब पे और आपको उसमें खोलना अपना चैनल, यूट्यूब चैनल। अपने लोगों में जाके जो आपका चैनल का लोगो है उसमें करना है अपने यूअर चैनल में जाके। यूट्यूब चैनल जैसे खुलेगा आपको फिर जाना है यूट्यूब स्टूडियो में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास मोबाइल है तो, अगर आपके मोबाइल है तो इसको आराम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ये यूट्यूब के अंदर ही मिल जाता है आपको ऑप्शंस वाई टी स्टूडियो का। तो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप क्रोम ब्राउजर में जाके डेस्कटॉप मोड में इसको खोल सकते हैं, और बिल्कुल सेम जैसे आपको लैपटॉप में दिख रहा है वैसे ही खुलने वाला है आपके मोबाइल पे। तो आप वहाँ से भी आराम से इसको कर सकते हो। तो पहले दिखा देता हूँ आपको, यहाँ मेरा जो लिंक था यहाँ आ रहा था सारा सोशल मीडिया का लिंक, फेसबुक का, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब का, जो कि मैंने अभी आपके लिए हटा दिया। देखिए कैसा लगा है। एक अगर बैनर तो अच्छा है बट जो लिंक है अगर वही नहीं होता फिर उसकी जो लुक है वो कम हो जाती है। तो मैंने आपके लिए हटा दिया, अभी दिखाऊंगा लगा के यहाँ पर इधर आ जाएगा। तो चलिए चलते फटाफट। और आपको जाना है सबसे पहले वाई टी स्टूडियो में, जो कि मैंने पहले बताया आपको, इसको क्लिक कर देना है। यूट्यूब स्टूडियो कहते हैं वैसे हम, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वाई टी स्टूडियो। ये खुल रहा है। अगर आपको ऐसा लोगो बनाना है अपने चैनल के लिए तो आई बटन में क्लिक करके आप दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लोगो आप बना सकते हैं अपने चैनल के लिए। और ऐसी तो आप अपने चैनल के लिए लोगो बना सकते हैं, ये देखिए कितना बेहतरीन है। तो चलिए चलते हैं फटाफट, दिखाता हूँ कैसे आपको इसको लिंक को ऐड करना है अपने बैनर में। तो आपको जाना है, कस्टमाइजेशन, इसको आपको क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन को क्लिक करते ही आपका लेआउट वगैरह खुल जाएगा, बट आपको जाना है बेसिक इन्फॉर्मेशन आगे, इसको क्लिक करना है जो कि ब्रांडिंग से बिल्कुल आगे है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाके आपको आगे देखिए ये चैनल का नाम आ गया और ये डिस्क्रिप्शन आ गया। तो देखिए मेरे चैनल का यूआरएल लिंक आ गया, ये रहा। और दूसरा है मेरा कस्टम यूआरएल, ये तभी मिलता है जब आपके 300 से ऊपर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो मेरे तो पहले आ गया था ये, तो ये देखिए मेरा नाम लिख के आ गया ये। इसका यही फ़र्क है, इसमें विदाउट नाम आपको पता ही लगेगा कि क्या है, और इसमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे ये है। तो ये यूट्यूब की तरफ से आया मेरे आदित्य सिंह ब्लॉग, ये पहले आ चुका है। फिर आपको नीचे जाना लिंक्स, जो कि मैं जो ब्लॉग जिस टॉपिक पर ब्लॉग है, ये देखिए लिंक्स ये नीचे आ गया जो कि मैंने डाल रखे हैं आपके लिए। मैंने अभी हाइड कर रखी हूँ, आपको बैनर भी नहीं दिखे। तो यहाँ मैंने डाला अपना चैनल का नाम, और ये ऊपर जो लिंक आ रहा है ये मैंने डाल दिया। अगर आपके पास ये लिंक नहीं है तो आप ये ऊपर वाला डाल सकते हो बेफिक्र होकर, वो आपका बैनर में दिख जाएगा। तो आप ऊपर वाला डाल सकते हो, अगर ये वाला तो ये वाला डाल सकते हैं। इसमें नीचे आते हैं, नीचे मैंने डाला इंस्टाग्राम, यहाँ आपको नाम डालना इंस्टाग्राम या कुछ भी, फॉलो मी कुछ भी डाल सकते हो। तो मैंने इंस्टाग्राम डाल रखा है और इसका लिंक मैंने यहाँ डाल दिया। फिर नीचे आते हैं, फिर यह फेसबुक, जो कि मैंने डाल रखा है फेसबुक, और उसका लिंक मैंने यहाँ डाल दिया। अब इसके बाद असली काम जो है, जो कि है, अब ये लिंक तो हमने डाल दिया और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पर अब वहाँ शो करना है कहाँ, बैनर में आपको दिखना चाहिए वहाँ बैनर लोगों को, जो कि व्यूअर्स जो आपका चैनल देखे तो उनको दिखना चाहिए आपका लोगो, इंस्टाग्राम का या फेसबुक का या यूट्यूब का या ट्विटर का। तो यहाँ आपको मैंने किया नन, इसलिए वहाँ दिख नहीं रहा आपके मेरे बैनर में ये लिंक। तो यहाँ आपको करना है, जैसे कि मैंने तीन डाले यहाँ लिंक, जैसे यहाँ दे सकते हो 1, 2, 3 मैंने लिंक डाले। तो आपको क्या करना है, यहाँ तीन
फर्स्ट थ्री लिंक्स आपको यहाँ सिलेक्ट करना है ताकि जो आपके बैनर में ये तीनों लिंक दिख सके। अगर आपने एक और ऐड कर दिया, अगर आपको ऐड करना है, चार डालने हैं, पाँच डालने हैं, तो आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके यहाँ ट्विटर का आप नाम डाल सकते हो, यहाँ उसका लिंक डाल सकते हो नीचे, फिर ऐड, यहाँ मैंने नहीं डाले इसलिए ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ फिल कर दोगे तो नीचे फिर ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पाँच बार डाल सकते हो। मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद ये आपको सारे के सारे लिंक वहाँ बैनर में दिख जाएंगे। पर आपको यहाँ पहले ये करना पड़ेगा, अगर आपने चार डाल दिए तो आपको चार में क्लिक करना पड़ेगा, फोर लिंक्स, फाइव डाले तो फाइव लिंक्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज़ और बता दूँ आपको, कॉन्टैक्ट इन्फो, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है आपकी, ये वाली नहीं जहाँ से आप लॉगिन करते हैं यूट्यूब चैनल, वो नहीं, आपको दूसरी बनानी पड़ेगी नहीं, और उसको आपको यहाँ डालनी है। वो इसलिए क्योंकि इसमें लिखा है कि लेट्स पीपल नाउ हाउ टू कॉन्टैक्ट यू विद बिजनेस इंक्वायरीज, अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो कहाँ कॉन्टैक्ट करे, तो इसलिए आपको यहाँ लिंक डालना है अपने जीमेल आईडी का। जब आप यहाँ फिल कर दे तो तीनों लिंक, उसके बाद आपको ऊपर जाके पब्लिश का ऑप्शन आ रहा होगा, पब्लिश, तो यहाँ आपको क्लिक करना है पब्लिश में। उसके बाद ये सेव तो हो गया, पब्लिश हो गया। इसके बाद जाना आपने इसी के आगे जो है व्यू चैनल, आपने व्यू में क्लिक करना है और ये सीधा चले जाएगा आपके बैनर में, जो आपके चैनल, ये देखिए चैनल में आ गए, और ये देखिए मेरा, ये आ गया, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसके बाद कि हाँ भाई कुछ प्रोफेशनल बंदा यूट्यूबर है, मतलब कि बैनर का जो असली लुक है वो इसी से आता है, और जितने भी यूट्यूबर है बड़े बड़े वो उन्होंने ये डाले रहते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको ऐड करना है अपने बैनर में। अगर आपने इनको ऐड नहीं किया अपने बैनर में तो अभी जाके इनको ऐड कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपने बैनर में, मज़ा आया। तो यही था दोस्तों आज का ब्लॉग, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए गुड बाय।